हेलो, मैं कुमार ज्ञान मुद्रा एजुकेशन से। लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन को में हम कुछ सीखें तो शायद ये अच्छा होगा। ये हम इसका हम सबसे अच्छा उपयोग हम समय का अब कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री हैं और कुछ सीखना सही रहता है। तो हम आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्स, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर के परिचय से। कंप्यूटर क्या है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उपयोग, क्योंकि जब तक हम उसके उपयोग के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कुछ भी नहीं सीख सकते। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारियाँ, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इसमें किस किस पार्ट का कैसे कैसे उपयोग किया जाता है और ये किस काम में आता है, इसके लिए हम आपके लिए पूरी विस्तार से बताएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा कंप्यूटर कोर्स का आज पहला दिन है और फर्स्ट वीडियो है, और सारी वीडियो अटेंड कीजिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान मिल सके और इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सके। ये वीडियो पूरी तरह निःशुल्क है, आप प्लीज़ देखिए और समझिए और सीखिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, CPU जिसे हम कहते हैं। कंप्यूटर का मेन पार्ट CPU को कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसमें इसको तीन भागों में बांटा गया है। पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है वो इसी में होती है। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल ऑब्लिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जो भी गणित के जितने भी काम होते हैं, मैथमेटिक्स रिलेटेड, सब इसमें होते हैं। और एक मेमोरी यूनिट, हमको जो भी डाटा सेव करना है उसके लिए ये काम आता है। सारी प्रोसेसिंग कंप्यूटर की CPU में ही होती है। हम आगे समझेंगे, हम आगे चलते हैं। परिचय। कंप्यूटर एक बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है। उसको हम कुछ डेटा देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा और उसको सेव करेगा और हमको उसको आउटपुट देगा। इसका उपयोग इंटरनेट के साथ साथ समाज के हर हिस्से में उपकरण के रूप में किया जाता है। हम इसका उपयोग सिर्फ इंटरनेट के लिए समझते हैं, ये हर जगह हर फील्ड में काम आने वाला है, लेकिन इसका उपयोग हम सही तरीके से करें। कंप्यूटर आजकल जटिल है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग घटक होते हैं और ये सभी अलग अलग उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि अस्पतालों में अस्पतालों के लिए, स्कूलों में स्कूलों के हिसाब से, ऑफिस में ऑफिस और फैक्ट्री में फैक्ट्री के हिसाब से। कंप्यूटर के काम करने के लिए उन सभी को एक कार्य करने की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर जैसे काम करता है जानकर आप कंप्यूटर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है आगे हम जानते हैं। चलिए आगे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर कैसे चलता है, बिजली से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमने इसको कुछ भी डेटा दिया तो वो उसको खुद ही प्रोसेस करेगा, यानी कि वो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, ठीक है। तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। हम कीबोर्ड से किसी का नाम टाइप करेंगे, वो डेटा अंदर लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर हमको दिखाएगा, ठीक है। जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा प्रोसेस और संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कोई सॉफ्टवेयर हमने बना रखा है किसी विशेष कार्य के लिए, तो उसी विशेष कार्य को हम करेंगे, उसको हम निर्देश देंगे, डेटा देंगे और उसका प्रोसेस हो गया, वो हमको आउटपुट दिखाएगा, चाहे वो स्क्रीन पे हो, चाहे वो प्रिंटआउट के रूप में हो, चाहे वो स्कैन के रूप में हो, ठीक है। इनपुट और आउटपुट हम समझेंगे आगे, देखना। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, डेटा देते हैं, उसको इनपुट डिवाइस इनपुट बोलते हैं। और आउटपुट जो हमको मिलता है, जैसे कि प्रिंट मिलता है, डाटा सामने मिलता है, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वो आउटपुट है। या फिर हम कुछ प्रिंट निकालते हैं तो उसका आउटपुट कहलाएगा, ठीक है। कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कंप्यूटर शब्द से हुई है, परंतु कुछ विज्ञानों का मानना है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है, अतः सामान्य दोनों का ही अर्थ गणना करना है। अमेरिका के एक शब्द और है दूसरा उसमें, जो उसमें नहीं है, कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, COMPUTE से। इसका मतलब होता है गणना करना, ये गणना करने वाला यंत्र के रूप में। स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तो उसका उपयोग सिर्फ गणना करने के लिए किया जाता था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो गणनाएँ होती थी वो आसानी से नहीं होती थी। तो इस स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई तब सिर्फ इसको
उसी के यूज़ में लिया जाता था। लेकिन आजकल आप देख लो इसका ज्ञान अनंत है, बहुत आगे है। फिर भी अपन पढ़ेंगे आगे, देखिए। एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। इसको अर्थ को और भी अधिक व्यापक बनाया जाता है। हम अगर इसके हर एक शब्द का मतलब समझना चाहें तो इस तरह हो सकता है, सी मतलब कॉमनली, कॉमनली मतलब सभी जगह एक ही चीज़ यूज होती है। ओ फॉर ऑपरेटिंग, ऑपरेट करने के लिए। एम फॉर मशीन, कंप्यूटर मशीन तो है ही, ये तो आप सब जानते हैं। ए पी पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली मतलब किसी चीज़ के लिए, है ना, किसी विशेष चीज़ के लिए। यू फॉर यूज्ड फॉर, किसी चीज़ के लिए उपयोग करना। टी फॉर टेक्निकल, टेक्निकल काम है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। ई फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में कितना उपयोग है आप सब जानते ही हैं। आर फॉर रिसर्च, जितने भी रिसर्च है वैज्ञानिक है सब, लगभग आजकल सारा जगह हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ में लिया जा रहा है, चाहे वो रिसर्च का हो, पढ़ाई हो, काम हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। इसलिए हमें कंप्यूटर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, सिर्फ पढ़ाई करना आवश्यक नहीं है, उसके साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगभग लगभग ये जो समय है वो पूरा कंप्यूटर पर ही आधारित है, और आने वाला समय भी ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा होगा। हर काम में आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर चाहिए होगी। हम अगर आज नौकरी के लिए कहीं जाएंगे तो हमको कंप्यूटर आता है तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। चलो आगे चलते हैं। इसके पार्ट क्या काम करता है, इसके क्या काम होते हैं मुख्य। कंप्यूटर का निम्न चार कार्य किए जाते हैं, मुख्य रूप से चार कार्य होते हैं। वैसे अलग अलग फील्ड के हिसाब से अपन अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकली बोलेंगे तो चार ही कार्य होते हैं। इनपुट, कंप्यूटर का डेटा या सूचना को भेजना, इनपुट कहा जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। ये जो CPU होता है उसको डेटा निर्देश भेजने के लिए काम में आता है। हम माउस से क्लिक कर रहे हैं, हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ये सब क्या हुआ, डेटा देने हुआ, और ये डेटा कहाँ जाएगा, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। नेक्स्ट प्रोसेसिंग, हमने जो भी भेजा वो कहाँ जाएगा, CPU में, और वो प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर आउटपुट, उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है, ठीक है। जो भी आउटपुट होगा वो उसको दिया जाएगा यूज़र को, उपयोगकर्ता को। स्टोरेज, अगर हम उस प्रोग्राम को, उस डेटा को अगर हम सेव करना चाहते हैं, सेव करते ही हैं, तो उसके लिए स्टोरेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, आगे पढ़ेंगे, देखना। रैम और रोम भी है, सब कुछ है। जितनी नॉलेज आपको नॉर्मल एक कंप्यूटर के लिए होनी चाहिए मैं ज़रूर देने की प्रयास करूँगा, प्लीज़ आप देखिए। कंप्यूटर संबंधित शब्द, हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होते हैं, वे पार्ट कंप्यूटर के जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, हम छू सकते हैं ना उनको, बिल्कुल। जो यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रिक भाग जो भी है कंप्यूटर का, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट इकाइयों, डेटाओं की प्रक्रिया और परिणाम को निर्देश का निर्देशन करता है। नोटपैड, एमएस ऑफिस, गेम, हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी कंप्यूटर में देखते हैं जिसे हम सिर्फ छू सकते हैं और हाथ नहीं लगा सकते, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सूचना, जब डेटा का उपयोग बनाने के लिए इसमें संसाधित, व्यवस्थित, संगठित एवं संरचित किया जाता है तो उसे डेटा सूचना कहते हैं। हम कुछ भी इसमें जो भेज रहे हैं, जो डेटा भेज रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो सब डेटा होता है। टेक्स्ट में भेज रहे हों, वीडियो में भेज रहे हों, जो भी है, ठीक है। डेटा, डेटा तथ्यों, व्यवस्थित आंकड़ों का समूह है। डेटा के दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो तरीके होते हैं। न्यूमेरिकल यानी कि संख्यात्मक डेटा, इसमें 0 से 9 तक नंबर होते हैं। हमको जो भी मैथ से संबंधित काम कमरे होते हैं, रोल नंबर, प्राप्त अंक जो भी होते हैं, वो उसमें होते हैं। चिन्हात्मक, इसमें चिन्ह होते हैं, अक्षर होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, और जो भी होते हैं, सब कुछ टेक्स्ट में जो भी होता है न्यूमेरिकल को छोड़ के, वो चिन्हात्मक डेटा होता है जो हम टाइप करते हैं, जो कंप्यूटर को डेटा सूचना देते हैं। डेटा पर किया जाने वाली उन प्रक्रियाओं को जिनमें सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहा जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य व्यवस्थित डेटा यानी कि रो जो डेटा होता है जो हम आगे देते हैं उनको, उसको व्यवस्थित डेटा प्राप्त, उससे उसे व्यवस्थित डेटा प्राप्त करना है, जिनका उपयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। हमने
कुछ चीज़ दी अपने रोटी, आपने रोटी मेकर देखा है, हम आटा गूंद के उसमें रोटी डालते हैं। कई मशीनें से ऐसी भी आती हैं जिसमें आटा भी गूंदता है, अपने आप ऑटोमेटिक सारा काम चलता है। जैसे कि मैंने रॉ मटेरियल यानी कि आटा डाला किसी मशीन में, वो आटा गूंदा बिना रोटी सीखी और उस रोटी हमारे पास हमको मिल गई। तो जो आटा डालने से लेकर रोटा बनने तक का लास्ट जो प्रोसेस होता है उसे ही प्रोसेस हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब एक उदाहरण बताया आपको, इसलिए हम जो भी डाटा हम अंदर देंगे, जैसे मेरे को कुछ भी टाइप करना है, मुझे मान लो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई जैसे ही मल्टीप्लाई का कमांड कीबोर्ड से टाइप करूँगा, अंदर सीपीयू में जाएगी, वहाँ प्रोसेस होगी और वहाँ से वो हमको आउटपुट के रूप में दिखेगी। तो ये प्रोसेसिंग होती है और बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। मुख्य रूप से कंप्यूटर का विकास गणितीय गणनाओं के बड़ी संख्या में करने के लिए किया गया था। मैंने बताया था ना आपको, पहले सिर्फ गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कंप्यूटर का इतिहास यही वक्त कहता है कि कठोर प्रयास के बाद ही कंप्यूटर का विकास संभव हो सका। इन प्रक्रियाओं में विभिन्न प्रणालियों को जन्म दिया, जैसे कि बेबीलोनियन प्रणाली, यूनानी प्रणाली, रोमन प्रणाली, भारतीय प्रणाली, मगर इसमें से भारतीय प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी में प्रारंभिक समय को स्वर्णिम युग माना जाता है। अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने गणितीय गणना मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना से बनी हुई सारणी में एरर आती थी। चूंकि ये टेबल हस्त निर्मित थी इसलिए इसमें एरर आती थी। पहले सिर्फ गणनाओं के लिए किया जाता था इसका उपयोग और इसमें एरर आने लगी थी, इसलिए चार्ल्स बेबेज जो थे, जिनको अपन कंप्यूटर का जनक भी कह सकता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहाँ कहलाए जाते हैं ये, उन्होंने इसका 19वीं शताब्दी में विकास किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका वे ब्रिटिश सरकार ने फैन किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे, ये भाप से चलती थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का विकसित रूप एनालिटिक इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखो माउस, नॉर्मल अपने जो हार्डवेयर होते हैं उनमें से पहला है माउस। ये आपको दिख रहा है माउस, जो एक साधारण माउस का है रूप है, ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट बटन, स्क्रोल बार और राइट बटन, ठीक है। इसका उपयोग हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल आप इसको देखिए। माउस के चार प्रकार होते हैं, माउस भी चार तरीके होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और स्टेलस माउस। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, इसमें कुंजियाँ होती है, कुंजी मतलब की होती है, ठीक है। इसको दबाने से हम चिन्ह अंक जो भी होते हैं वो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं और कंप्यूटर को में ये प्रोसेस होते हैं और फिर हमको आउटपुट रूप में दिखते हैं। ये देखो, ये होता है कंप्यूटर कीबोर्ड, सबने देखा ही होगा। और देख लीजिए, ये होता है कीबोर्ड, इसमें लगभग साधारण कीबोर्ड में 104 की होती है, बाकी अब 102, 106, 110 तक होती थी, ठीक है। कंप्यूटर आउटपुट और इनपुट देखो आप, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये तो आउटपुट के इनपुट के एग्जांपल देखो आप, कीबोर्ड और मॉनिटर। और आउटपुट कि कीबोर्ड अंदर, कीबोर्ड से गया आपके मॉनिटर में, आपके मॉनिटर में जो डेटा दिखा रहा है वो कीबोर्ड से टाइप हुआ है, यानी कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जो दिखा कहाँ रहा है, किसमें दिखा रहा है, मॉनिटर में, और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर के आउटपुट डिवाइस से जो मॉनिटर है, उस मॉनिटर के में जो भी हमको दिख रहा है हमको उसको प्रिंट करना है, तो हम जैसे उसको प्रिंट करेंगे तो वो कहाँ दिखाएगा, प्रिंटर पर प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरह ये इसकी आज तक की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको आगे के क्लास और आगे की जानकारी आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। ज्ञान मुद्रा एजुकेशन, वेलकम।